हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विथ फन। आज मैं वेजिटेबल उपमा बनाने जा रही हूँ। उसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए, सूजी या रबा, मैंने ये बारीक सूजी लिया है। प्याज, तेजपत्ता, बादाम, हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक का मैंने कद्दूकस कर लिया है। वेजिटेबल में मैंने लिया है, एक गाजर को मैंने पीस पीस करके उसको छोटा छोटा काट लिया है। आलू, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर। आप चाहे तो आपके मनपसंद वेजिटेबल कुछ भी आप ले सकते हैं। मसाले में हमें चाहिए जीरा, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, हमें बनाने के लिए तेल और 2 चम्मच देसी घी मैंने लिया है। चलिए हम शुरू करते हैं। अभी पहले हम सूजी को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। सूजी हम डाल देंगे, सूजी को हम अभी फ्राई करेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, इसे हम 5 मिनट तक भुनेंगे। देखिए सूजी हो गया है, इसको हम इसका कलर चेंज नहीं करना है, थोड़ा 5 मिनट के लिए सिर्फ भुनना है। इसको हम अभी दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 स्पून ऑयल लिया है। इसमें मैं अभी थोड़ा सा देसी घी भी डाल दूंगी। इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। मैंने 2 बड़ी प्याज को स्लाइस कर लिया है। इसके साथ ही हम हरी मिर्च डाल देंगे। इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे। अभी देखिए प्याज थोड़ा हो रहा है। अभी हम इसमें 1 तेजपत्ता और जो हमने अदरक को कद्दूकस किया था वो भी डाल देंगे। इसको हम और थोड़ा फ्राई करेंगे। देखिए हमारा प्याज और अदरक हो गया है। इसमें हम अभी बादाम डालेंगे। बादाम को भी हमें थोड़ा फ्राई करना है। बादाम भी भुन गया है। हम इसमें अपना वेजिटेबल्स डालेंगे। पहले मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ, गाजर, आलू, पत्ता गोभी अभी नहीं डालेंगे, ये थोड़ा होने के बाद ही हम पत्ता गोभी डालेंगे। तो हम थोड़ा फ्राई करेंगे। देखिए अब हम इसमें हमारा टमाटर और पत्ता गोभी दोनों को डाल देंगे। फ्राई करेंगे। अब हम इसमें हमारे मसाले डाल देंगे। नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए अब हम इसको
ढक लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे ये सारे वेजिटेबल्स पक जाएंगे। उसको हम ढक लेंगे। हम बीच बीच में थोड़ा उसे चेक भी कर लेंगे। ओके, देखते हैं ये अभी नहीं पका है, इसको हम थोड़ा सा और ढक के रख देंगे। ये देखिए हमारे वेजिटेबल्स बन गए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। सूजी बनाने में मेजरमेंट ही ज़रूरी है। हम जिस मेजरमेंट में, मतलब जिस कप में हम सूजी मेजरमेंट करेंगे, उसी कप में 1 कप सूजी के लिए 2 कप पानी डालेंगे। अब मैं पानी डाल रही हूँ। मैंने 2 कप सूजी लिया था, इसलिए मैं 4 कप पानी डाल रही हूँ। आप इसमें और थोड़ा गर्म पानी भी रखिए, क्योंकि क्वालिटी सूजी का जो क्वालिटी होता है उससे पानी थोड़ा ज़्यादा भी ले सकता है। तो हम अभी पानी को उबलने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, पानी उबल गया है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके अपना सूजी डालेंगे। देखिए हम एक हाथ से सूजी डालेंगे धीरे धीरे, और दूसरे हाथ से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। धीरे धीरे डालिएगा, नहीं तो ये ज़्यादा आपके ऊपर भी आ सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा, नहीं तो ये क्लम्प्स रह जाता है। देखिए अब हम इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में बैठाएंगे। देखिए अब हम इसमें देसी घी जो लिया था, हम डाल देंगे देसी घी को चारों तरफ से। इसको मिक्स कर लेंगे। गैस को ऑफ करके इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए गर्म है, धीरे से देखेंगे सूजी पका है या नहीं। देखिए सूजी पक गया है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। हम इसको एक बाउल में डाल देंगे। देखिए इसको हम ऐसे कर लेंगे अभी। ओके, देखिए एक प्लेट में हम अभी इसको डाल देंगे। इसे थपथपा पाएंगे, पाएंगे फिर देखिए निकल गया हमारा वेजिटेबल उपमा। बनके हमारा तैयार है। अब बनाइए, टेस्ट कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कैसे बनाए। थैंक